सबसे पहले इनको बंद करते हैं, सबसे पहले इनको बंद करो और ना फिर कबूतरों को खोलना। यार आया देखो, इससे नहीं डरती, मैं अभी सुल्तान को खोलूंगा ना, इसके दौरे देखना, इसने नीचे भाग जाना। आयत खोलूं, आयत सुल्तान को खोलूं, खोलूं इसको, खोलूं, वो दिख गई चली। इसको पहले बंद करो, सबको चील मुर्गियों को बंद कर दिया, अभी कबूतरों को खोल लो उधर से, मैं इधर सेंटी नाइन को खोल देता हूँ, ये भी बाहर आ जाएंगे। अभी आपको एक और सैड न्यूज़ बताता हूँ कि ना, ये अभी दिखाई देता हूँ मैं आपको सेंटी नाइन के बच्चे के साथ क्या हुआ। यार इधर देखो सारे, यार ये पर वाला किसने उतारे हैं ऊपर ऊपर से। यार इनको ना मैंने रात को उधर कर दिया था, तो यार ये जो है शराजी का मेल है ना इस साइड वाला, यार इसने ना इस पर यार इतना मारा है ना इसको रात को, जो मैं सुबह आया तो ऐसा था, फिर मैंने इन सबको उठा के इस केज में रखा है। इसी वजह से ना इनको मैं उस केज में नहीं कर रहा, सिर्फ इस बच्चे की वजह से, ये बच्चा भी ना बच नहीं ना सकता उनसे। सबसे पहले अंदर दाना डाल देते हैं इनको ही, फिर चलेंगे बाहर। हाँ जी इनको भी डाल देते हैं, इनका दाना डाला है और आयत भी आ गई। क्या है दाना डालनी है, चल डाल दो, डाल दो और डाल दो, और डाल दो। चलो जी मैं डाल देता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके तो डाल है। अभी चूजों को भी देख लेते हैं हम अपने। ओए ओए यार इसको भी मैं ना सही छोड़ के गया था, इधर आओ ये देखो इसके साथ क्या हुआ हुआ। यार यार भी मैं इसको दोपहर टाइम तो देख के गया हूँ, अभी तकरीबन ऊपर आने से ना घंटा पहले मैं इनको ऐसे ही छोड़ के गया था, धूप से ना छाँव में करके गया था इनको मैं। वो आए ध्यान से ये वाला देखो, माशाल्लाह यार हमारा कितना बड़ा हो गया है, बेचारा अकेला रह गया। यार ये तीन थे हमारे पास, एक तो पहले दिन दो दिन पहले मर गया था, और यार ये भी बड़ा हो गया था। यार इसको भी उठाते हैं, चलो पीछे जाए छोड़ो। ओए ओए यार यार ये भी बेचारा मर गया, ये पता नहीं कैसे बीमार हो गया। यार ये मुझे पहले भी सुस्त लग रहा था, ये नहीं पता था ये मर जाएगा। इसके पर भी यार देखे छोटे छोटे, इसके देखे माशाल्लाह कितने बड़े बड़े आ गए थे पर, और बेचारा ये बेचारा अब अकेला रह गया। ये इसको भी वहाँ छोड़ते हैं, ये दाना दुना खाएगा, इसको छोड़ते हैं इधर, ये दाना, ओए ओए डर गया बेचारा, दाना दुना खाएगा इधर, और मैं इनको और दाना डालता हूँ थोड़ा सा, वो देखे खा रहे क्या आयत वो देखें बीच में से बाजा भी खा रहा है, ये भी खाएगा बाजे इनके साथ ही। इसको इधर रखते हैं और उसको पकड़ते हैं, आयत ने नहीं छोड़ना इसको, या इसको अब दफना के आएंगे हम। ये भी बेचारा मरा, तीसरा तीसरा नहीं तीसरा तो वो है, दूसरा चूजा मर गया है। आए थे ना हम सबसे एक्टिव, मुझे ये भी लग रहा था, तो यही बेचारा मर गया। अब तो भी उसे ना पकड़ने दो, उसे को नो नहीं पकड़ना, नहीं आया तुसे, उसके पीछे ही लगी हुई है, आना आ गया उसका मुंह देख लिया, आ सुल्तान आ गया। ये इधर आ गया, पकड़ना नहीं है इसे, नो इसको फीमेल समझ रहे थे, इसके काम तो देखो ज़रा, ये तो मेल है वाइट कलर का। यार जो सही फीमेल लगती थी, पतली सी थी, मुझे लगा फीमेल ये छोटी सी गर्दन थी, मगर ये तो मेल निकला है। वो ध्यान रखना हमारे चूजे का, इसके इसके काम। यार मैं भी कहूँ वो क्यों आई थी चील, वो इसको उठाने के लिए आई थी, इसको हम ना नीचे रखते हैं, वो गई चली है, वो उठाने आई थी इसको, इसी वजह से इतना नीचे आ गई थी, हमारे कबूतर भी सारे डरा दिए थे उसने। यार अभी अंदर चलते हैं और अंदर जाके ना उसकी कल वाली जो सी फीमेल एक कंडीशन देख लेते हैं उसकी, यार उसकी चूँच नहीं तोड़ दी थी। यार एक होता है ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला, यार उसने इतनी ज़ोर से मारा था ना, उसका नीचे वाला हिस्सा टूट ही गया था, मैंने आपको कल दिखाया भी था, ये वाली फीमेल ने मारा था, और मारा किसको था इसको, यार उसका नीचे से मुँह ही तोड़ दिया उसने। आपको मैं दिखाता हूँ, वो बेचारी का देखे नीचे वाला हिस्सा है नहीं, अब काट भी नहीं सकती है मैं, सिर्फ ऊपर वाला ही सही, वो देखें। और जो से इसको फीड है ना, वो इसका मेल इसके साथ ही रखा है, मेल इसको फीड करवाता रहेगा, और इसकी इंशाल्लाह चूँच दोबारा आ जाएगी, मेरे ख्याल से तो आ जाएगी, आगे पता नहीं आती भी है नहीं। आए तो ना डराओ
यार अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इसके नीचे ना तीन अंडे ना मैंने उसी फीमेल पे रखे हुए हैं जिस फीमेल की यार चूँच नहीं टूटी। उसके यार मटकी में ना इन्होंने मटकी की वैसे लड़ाई की थी, मटकी में तीन अंडे पड़े हुए थे, उसने भी बाहर फेंक देने थे तो मैंने इधर ला के रख दिए हैं। अगर तो देखते हैं ये बच्चे निकाल पाती भी है या नहीं, ये भी इसके लिए देखेंगे। अगर बच्चे निकले तो हम खुद पालेंगे बजिस के बच्चे, और जो सा ये डफ का होगा ये खुद ही पालेंगे। हाँ जी, और इनका भी देख लें बच्चे आए हैं नहीं डफ के, हमारी जो ये वाली डफ बैठी हुई है अभी तक अंडे ही हैं, पता नहीं कब निकलेंगे बच्चे, काफ़ी देर हो गई है, तकरीबन 15-16 दिन हो गए हैं इनको। अफसोस हो रहा बेचारा अकेला रह गया, अब तीनों में से यही थोड़ा सा पल गया है, तो इसको अभी पानी भी पिलाते हैं। बार बार बोली जा रहा है पानी उधर पड़ा नहीं हुआ था तो पानी सारे खुश्क हो गया हुआ, तो इसमें से इसकी कोली लेते हैं और पानी पिलाते हैं इसको। पानी मैं नीचे से ना लेके आया हूँ तो भी पिलाते हैं इसको। पानी पीना होगा पी लेगा, और बाकी जो था पानी कबूतरों के इसमें डाल देते हैं ये पिएंगे। ऐसा करेंगे इसके लिए ना इसका पार्टनर लेके आएंगे, एक और ले आएंगे, बेचारा बिल्कुल ही अकेला रह गया। आपका क्या हो गया है, है? उसके लिए चूजा लेके आए हम, इसके लिए चूजा लेके आए, चले चले लेने चूजा है, चलते हैं। इन्होंने भी यार इंशाल्लाह दोबारा अंडे देंगे फिर निकालेंगे बच्चे अपने, इनके तो अंडे इस बार ख़राब हो गए। मुझे लगा था इसने तोड़े हैं अंडे, ये स्टिक लेके अंदर गई हुई थी मगर उसका खुद ही टूटा, वो कच्चा अंडा दे दिया था उसने, आए तो पाँव के नीचे ना दे देना इसे। मुर्गी ने कल भी अंडा दिया था मगर आज अंडा नहीं दिया, ये का ये एक इनका वफा डाल रही है, ये फिर कुरक पर कैसे बैठेगी, अंडे पूरे पूरे कितने करेगी, ये मेरे ख्याल से फिर थोड़ी अंडे देगी, इसने आज अंडा ही नहीं दिया। कल अंडा दिया था, उससे पहले अंडा दिया था, इसके टोटल तीन अंडे हैं, वो भी पाँच दिनों में तीन अंडे दिए हैं, दो दिन अंडे नहीं दिए इसने। ये ब्लैक वाली मुर्गी अंडे दे रही है, बाकी दोनों नहीं दे रही अभी तक। क्या हुआ है, अंदर जाना है, क्या करते हैं इसको ना अभी नीचे रख के आते हैं, ऊपर सर्दी भी हो रही है और साथ में ना ये ना अब बहुत बोल भी रहा है, तो ना इसे नीचे ही रखाते हैं ताकि ये भी बीमार ना हो। ये पार्टनर ले आएंगे, बेचारा ऐसे ना बोले ना, देखें माशा देखें कितना बड़ा हो गया है। इसको रखते हैं इसके अंदर, लाइट हम चला देंगे थोड़ी देर बाद, अभी अंदर ही रहे। पानी और दाना वगैरह इसने खा लिया हुआ है, वैसे भी साथ अब मैं नीचे आके रख दूंगा, रात को ये फिर खुद ही खा लेगा। आप बंद करते हैं सबको, इन्होंने चल जाना अभी बाग के अंदर जाना है इन्हें, फिर हम खोलेंगे सुल्तान वगैरह को, ये भी आ गई फिर में उनके साथ, उनका पराने वाला बच्चा भी आ रहा है, इसे भी अंदर चल जाना, जल्दी चले जाओ, वो वहाँ पर ही रुक गई है, ये गई अंदर उतरें और अंदर जाएं, फिर इनको बंद करते हैं और सुल्तान वगैरह को खोलते हैं। सारे दे गए बस अंदर, ये रह गया, अंदर जाओ अंदर जाओ, कबीर इधर आओ, इनका पानी उठा के दरवाज़ा बंद कर दो, वो देखो बाहर आने लगा था और सीलों को खोलने लगा था मैं, अब खोलना सुल्तान वगैरह को, यार ये भी बाहर आके ना पानी वगैरह पी लें, बस इनका है अब। और यार वो जो सी कल वाली मुर्गी को मारा ना, अभी तक नहीं ठीक हुई बेचारी, लंगरा आकर चल रही है, वो देखें पाँव नीचे लगा रही है मगर लंगरा लंगरा आकर चल रही है। सुल्तान ने और इसके साथ इतना बुरा किया है ना यार, आपको मैं क्या बताऊं, वो छोटा सा ज़ख्म था, इसने ना पंजा मार के ना अपना और इतना बड़ा कर दिया ना, ये जितनी जितनी मैं हल्दी लगा रहा हूँ ना, इतना इतना बड़ा किया है इसने, इसको यार अलग ही रखना है अब सुल्तान से यार, अब इसको ना ऐसे ही ना इसके केस में रखना है, इतना ज़्यादा इसे ना हमने डक्की गैंग के साथ रखना है, सुल्तान के साथ नहीं रखना है, जितनी देर ये ठीक नहीं हो जाती बेशक महीना लग जाए, इसने बहुत बुरा कर दिया इसके साथ यार, पूरा ज़ख्म कर दिया उसका ना, ऊपर से इसकी जिल्द फाड़ ही दी है इसने अपने पंजों के साथ, इसने किया। चलो इसको डालो, वो डक्की गैंग केज में डालना है, अभी तो छोड़ दो ना इससे नीचे ही। करो अब्दुल कबीर, ब्राउन वाली मुर्गी को निकाल के डक्की गैंग के साथ बंद करो, इसके साथ नहीं बंद करना, कुछ दिन की बात है उनके साथ रह लेगी, जल्दी करो। और मैं सील मुर्गियों को खोलता हूँ इतने दिन इनको, ये भी अब बाहर थोड़ी देर ना घूम फिर लें, ये भी पानी वगैरह पीना होगा तो पी लेंगी।
उनका साथ ही। इसको कुछ दिन यार इधर रखेंगे ताकि यार इसका ना जो सा जख्म है जल्दी हील हो जाए, फिर जाकर सुल्तान के साथ छोड़ेंगे। जब हमारी आज की स्कीम में आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।